Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation control panel equipment में आज एक नया सीरीज लेके आए हैं, रिले फॉल्ट डेटा रीडिंग। तो जब भी अपना न्यूमेरिकल रिले में कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो फॉल्ट को जो फॉल्ट है उसका डेटा किस तरह से रीड करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। आज हम जिस रिले का फॉल्ट डेटा रीडिंग देखने जा रहे हैं उसका नाम है अशिदा ADR245B। इस एक ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका रिले रीडिंग होगा। जनरली रिले में डिस्प्ले में मेजरमेंट 1 होगा, तो वहां पे दिखाता है कि अपना अभी लाइन चालू है तो कितना करंट जा रहा है। तो देखिए, इस तरफ लेफ्ट एरो करके देखते हैं तो कितना करंट आर फेज, वाई फेज, बी फेज में जा रहा है वो दिखाएंगे। अभी लास्ट फॉल्ट जो आया था उसका रीडिंग हमें देखना है, तो डाउन एरो करना है और डाउन एरो करके हमें रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 फॉल्ट डेटा जो होता है वो होगा। तो जो रिकॉर्ड 1 होगा वो सबसे लास्ट वाला होगा, रिकॉर्ड 2 होगा वो सेकंड लास्ट होगा और सो ऑन रहेगा। तो हमें रिकॉर्ड 1 देखना है, उसमें हम राइट एरो करेंगे तो हमें दिखाएगा कि कौन सी डेट पे फॉल्ट आया था और क्या टाइम था और कौन से फेज का फॉल्ट आया था। अभी राइट दबाएंगे तो ये हमारा करंट आएगा कि जब वो फॉल्ट हुआ था तब आर फेज में कितना करंट था, वाई फेज में कितना करंट था, बी फेज में कितना करंट था और न्यूट्रल में कितना करंट था। तो ये यहाँ पे ए बी सी दिखाया है, वो आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड न्यूट्रल है। इस तरह से यहाँ पे रिले रीडिंग किया जाता है। तो जैसे हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से फॉल्ट रीडिंग हुआ, अभी हमें एज अ ऑपरेटर क्या क्या रीडिंग्स चाहिए वो यहाँ पे देखते हैं। तो हमें चाहिए डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद आर फेज कि उसमें 204 एम्पियर था वीडियो में, फिर वाई फेज 189 एम्पियर, बी फेज 5325 एम्पियर एंड न्यूट्रल में था 5280 एम्पियर। अभी ये जो है वो एम्पियर में आया है, तो इसको किलो एम्पियर में अगर किस तरह से आएगा, तो किलो एम्पियर में आर फेज में था 0.204 किलो एम्पियर, वाई फेज में था 0.189 किलो एम्पियर और बी फेज में था 5.325 किलो एम्पियर, न्यूट्रल में था 5.280 किलो एम्पियर। अभी हमें अगर डिसीजन लेना है कि ये लाइन चालू करना है तो वो इतना रीडिंग पे डिसीजन आ सकता है कि हमें लाइन चालू करना है या फिर इसको बंद रख के पहले रिपेयरिंग करना है। और वो चीज़ भी आप किस पे डिसाइड करेंगे कि आपका जो बस है जहाँ से ये फीडर एलिमिनेट हुआ है तो उस बस का जो फॉल्ट लेवल है किलो एम्पियर में वो कितना है, और उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फॉल्ट लाइन में कहाँ पे होगा और ये इसमें मुझे ट्रायल लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपना ADR245B आसिदा मेक रिले है उसका रीडिंग लिया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक रिले दिखाएंगे और उसमें उसका फॉल्ट रीडिंग किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।